मेरे बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। आज मैं बताने वाली हूँ गार्लिक के बारे में, लहसुन के बारे में। ये छोटी 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 टुकड़ियाँ जो लहसुन की है ना, आपको इतने बड़े 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 बेनिफिट्स दे सकती है सेक्सुअल लाइफ में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो लहसुन और आपकी सेक्स लाइफ कैसे बेटर हो सकती है और लहसुन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। आज मैं बताने वाली हूँ गार्लिक मतलब लहसुन के बेनिफिट स्पेशली टू योर सेक्स ड्राइव, मे बी यू एबल टू परफॉर्म बेटर। कैसे लेना है, कितना लेना चाहिए ताकि साइड इफेक्ट ना हो, डिटेल में बात करूंगी। पूरी वीडियो देखें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक। यू नो गार्लिक इज अ कंप्लीट न्यूट्रिएंट वेजिटेबल जो कि आपके सेक्स लाइफ को बढ़ाएगा। अगर मैं कितने भी वेजिटेबल्स के बारे में बात कर लूँ, गार्लिक के सेक्सुअल लाइफ के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। एक तो इसका जब आप इसको बनाते हैं तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से बहुत सारे शेफ इसे इंक्लूड करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि गार्लिक अकेले कैसे खाएं, क्योंकि कभी ना कभी इसका थोड़ा सा खाने में टेस्ट बहुत अजीब होता है और अकेले इसे खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कई बहुत अच्छे लोग हैं जो रात को इसे मे बी पानी में डुबो देते हैं, 4-5 टुकड़ियाँ, उसके बाद उस पानी को पी लेते हैं। और कई लोग इतने अच्छे होते हैं कि मे बी भुना हुआ या फिर मे बी ऐसे डूबा हुआ गार्लिक ऐसे कैसे निगल लेते हैं। बट दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। गार्लिक आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, जो कि आपकी धमनियों में थक्के जम गए हैं उसे रिलीज़ करेगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो गार्लिक बेटर करेगा। हार्ट का कोई इशू है तो गार्लिक उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आयरन का कोई इशू है उसके लिए गार्लिक इंपॉर्टेंट है। और इरेक्शन और टाइम के लिए गार्लिक उतना इफेक्ट देता है जितना आपको कोई और आयुर्वेदिक दवाई देती हो। और दवाइयों से ज्यादा मैं रेकमेंड करती हूँ हमारी बॉडी में होने वाली डेफिशिएंसीज पे काम करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हम सेक्सुअली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। कि कब इसे नहीं लेना है और कैसे लेना है, गार्लिक को कब नहीं लेना है। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो गार्लिक क्योंकि गर्म होता है तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ गार्लिक उन दिनों आपने अवॉइड करना है। गार्लिक खाने के बाद गंदा सा स्मेल आता है, मे बी यू आर स्मेली टू द पीपल। तो गार्लिक खाने के बाद अगर आप कुछ अच्छा सा चॉकलेट या कुछ ऐसा ले लेते हैं, मे बी आप कार्डमम ले सकते हैं, है ना, इलायची ले सकते हैं, दैट वुड हेल्प। कभी कभार गार्लिक को खाने के बाद आपको गंदे गंदे डकार आ सकते हैं, बट दैट्स ओके, आप उसकी जगह कुछ और रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए मॉर्निंग में गार्लिक खाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब बात करी जाए कितना गार्लिक लेना चाहिए, तो एक या दो छोटी टुकड़ी गार्लिक की दिन में इज एब्सोल्युटली ओके। अगर आपको गार्लिक वैसे खाने में दिक्कत देता है, क्योंकि इसका कोई अनियन की तरह जूस तो नहीं आता है, वैसे दिक्कत देता है, तो आप उसको भून के मसाले में वैसे करके ले सकते हैं। कई लोग गार्लिक की सब्जी भी बनाते हैं, और कैसे जाने कि गार्लिक की आसानी से इजीली क्या सब्जी बनती है, ये वीडियो को देखें। ये चैनल मेरी मदर इन लॉ का है, लेकिन वो बहुत ईजी रेसिपीज़ बनाती हैं जो आपके स्टेमिना को बढ़ाएंगी, तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपको हेल्प करेगा। गार्लिक हेल्प करेगा आपके ओवरऑल स्टेमिना के लिए, लेकिन क्वांटिटी में खाएंगे अंधाधुंध नहीं निकलेंगे। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लाऊंगी, तब तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और खाने पीने या स्टेमिना से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहें।